ट्रांसफार्मर में हो गया कोई खराबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, वेलकम करता हूँ अपने चैनल कलफ राजपूत में एक नई सुबह और नए दिन के आगाज़ के साथ। आज की वीडियो जान करते हैं शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बारिश हो रही है, अल्लाह ताला की रहमत जो है ना वो बरस रही है। इसे हम बूंदाबांदी भी कहते हैं पंजाबी ज़बान में, जड़ी भी कहते हैं। कि एक या दो दिन बारिश हो ना लगातार, फिर हम लोग बोलते हैं जी जड़ी लग गई है। तो वही सीन है आज माशाल्लाह, बारिश जो है ना वो ये गंदम और फसलों के लिए बहुत अच्छी है। जहाँ बारिश फसलों के लिए अच्छी है ना, तो एक चीज़ के नुकसान है, वो क्या है, ये जो बिजली की तारें हैं ना, इनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो एहतियात भी करनी चाहिए बारिश में, क्योंकि बारिश में करंट लगने का ज़्यादा खतरा होता है। वो हमारे गांव का सामने ट्रांसफार्मर है, तो आज सुबह से ना उसमें पड़ रहा है बारिश का पानी। वो उसका ना जम्पर जो है ना उसमें आग लगी हुई थी, यानी कि वो ख़राब हो गया है, जम्पर ख़राब हुआ है। जम्पर ख़राब होने की वजह से करंट जो है ना वो आया ज़्यादा, करंट ज़्यादा आने की वजह से क्या हुआ है वो आपको मैं अभी बताता हूँ आगे। ये है हमारा सोलर इन्वर्टर, और हुआ यह है कि ये वापटा वाली लाइट है, तो लाइट इससे होके आ रही है आगे वापटा की, और सोलर की भी इसमें आ रही है। आज तो वैसे सोलर नहीं चल रहा, तो ये देखिए किस तरह आवाज़ दे रहा है, इसकी आवाज़ आप चेक करें। अभी इसका मैंने ब्रेकर श्रेकर बंद किए। बारिश का पानी जो है ना वो पड़ रहा है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में हो गया कोई ख़राबी, करंट कम आने की बजाय आ गया ज़्यादा। करंट ज़्यादा आया ना तो इसमें एक उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है, कोई फ्यूज वगैरह, अगर करंट ज़्यादा आएगा ना वापटा का, तो ये बजाय कि आगे कोई घर की चीज़ें ख़राब हों, इसमें वो चीज़ होती है इसका फ्यूज़ जो है ना वो सड़ गया, इसकी वजह से इसकी आवाज़ जो है ना ज़्यादा आ रही है। तो ये ख़राबी हो गई है ट्रांसफार्मर में ज़्यादा करंट आने की वजह से। अभी सीन ये हुआ है कि वापटा तो मैंने बंद कर दिया, अभी UPS भी इसका काम नहीं कर रहा, तो सेम बीप दी जा रहा है इसी तरह ना एकदम आवाज़ में ना, तो बारिश में ये काम ख़राब हुआ है। पिछली दफ़ा भी ये हुआ था सीन, करंट ज़्यादा आने की वजह से घर की चीज़ें तो इसने बचा लिया, लेकिन ये खुद जो है वो सड़ गए। सुबह सुबह ही अभी लाइट नहीं है घर में, पूरा अंधेरा हो गया। आसमान के ऊपर ये कंडीशन है, और तो भाई को मैंने कॉल की है, तो अभी वो भाई आएंगे जब मौसम ठीक होगा। अभी मौसम जो है ना वो यानी कि बारिश रुक गई है, तो हो सकता है आ जाएं, आज नहीं तो कल आएंगे। तो इसी तरह जिन जिन भाइयों की जो जो चीज़ें ऑन थी ना, लाइट थी, उसके अलावा मोटर पानी वाली जो भी ऑन थे मोटर पानी, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। ये पहले भी हुआ था, हमारा जो बिजली का ट्रांसफार्मर है ना उसमें मसला आया था, तो वो तो तब तो ठीक था, लेकिन अब फिर से मसला हो गया। तो अभी सारे भाई जो है ना वो इकट्ठे हो रहे हैं, और वापटा वाले जो है ना उनको कॉल की है, तो मेरे ख्याल से अभी वापटा वाले भाई जो है ना वो आ गए हैं, कह रहे थे कि बारिश रुकेगी तो हम लोग आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा बाहर आ गया था, वो मुझे लग रहा है कि वापटा वाले भाई जो है ना वो आ गए हैं, तो चलते हैं जाके देखते हैं। तो बारिश से माशाल्लाह फसलें तो आपको नज़र आ रही हैं, गंदम और इसके अलावा चारा और इसके अलावा दरख्त, मतलब हर एक के लिए अल्लाह ताला की रहमत है बारिश, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो कच्चे रास्ते हैं ना, इन पे चलना थोड़ा मुश्किल है इन दिनों। लेकिन जी वापटा वाले भाई आए थे, मैं थोड़ा दूर था, तो उन्होंने ना भी ठीक कर दिया है। वो कह रहे वो जो जम्पर है जिसके अंदर कोई वो ख़राब था। ट्रांसफार्मर जो है ना वो भाई ठीक करके चले गए हैं, तो अभी जितनी भी भाई की जो जो चीज़ें ऑन थी और जल गई हैं वो चेक कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ, अभी वोल्टेज ठीक हो गए हैं, मतलब 400 के करीब करीब वोल्टेज चले गए थे, तब भी ये सारी चीज़ें जो है ना वो जल गई हैं। ये देखें जी, अभी सीन ये है, ये भी सोलर वाला है, और ये है इन्वर्टर, ये बंद है, इसको ऑन नहीं किया हुआ है, और ये है वापटा, अभी वापटा जो है ना वो सही आ रही है, 220 इससे ठीक है, इससे ऊपर जाएगा ना 300-400 तो फिर धमाका होने का खतरा होता है। ये देखें जी, यहाँ पे अभी वोल्टेज ठीक है,
अल्हम्दुलिल्लाह जी सुबह हो चुकी है। कल जो है ना वो सारा दिन बारिश होती रही है और सोलर वाले जो भाई हैं ना जिन्होंने आग चेक करना था वो नहीं आ सके, तो उन्होंने कहा था कि अगर बारिश रुकी तो मैं आ जाऊँगा, तो इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। माशाल्लाह जी आज सूरज जो है ना वो निकल आया है, सुबह के बज रहे हैं 7 और माशाल्लाह सूरज का खूबसूरत मंजर सामने है। तो मैं आया था बाहर खेत में, माशाल्लाह वाकई है हमारे गांव में ना और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो जली हुई हैं लाइट ज़्यादा आने की वजह से। हमारे विलेज की मस्जिद है उसके स्पीकर जो है ना वो भी ख़राब हो गए हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। और दूसरे नंबर पर मुकरम भाई, मुबशर भाई, मुदस्सर भाई और जैन भाई टूवर के ऊपर हैं। तो मुदस्सर भाई की मुझे कॉल आई है कि हमारा जो सोलर इन्वर्टर है ना वो भी जल गया है, वो भी ख़राब हो गया है, उसका भी कोई फ्यूज़ वगैरह जो है ना वो ख़राब हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने भाई को कॉल की हुई है, आता है तो फिर मैं आपका भी जो है ना वो भी चेक करवा दूंगा। तो खैर मुदस्सर भाई जो है ना उनका भी नुकसान हुआ है सोलर इन्वर्टर का, और उसके बाद देखते हैं हो सकता है चक्कर लगाना पड़े, कुछ चीज़ें जो है ना वो लानी पड़ेंगी। अभी माशाल्लाह सही बारिश हुई है, ये देखें कच्चे रास्ते जो है ना उनमें पानी अभी तक खड़ा है, तो खेत जो है ना वो पानी मतलब पी गए हैं गंदम, और कच्चे रास्ते जो उन पे पानी है अभी तक। और सुबह सुबह जो गाड़ियाँ शहर जाने वाली और स्कूल टाइम जो है ना वो जा रहे हैं। माशाल्लाह धूप जो है ना वो सही तेज़ निकली हुई है, और अभी जो है ना टाइम हो गया तकरीबन 9 का, और मैं इंतज़ार कर रहा था सुबह का कि वो भाई जो है ना वो सोलर वाले मैकेनिक जो है ना वो आएंगे उतार के लेके जाएंगे। तो अभी मेरा उनसे रब्ता है, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे एमरजेंसी ना किसी दूसरे भाई के पास जाना पड़ रहा है, तो अगर आपका चक्कर लगना है तो आप उसको इन्वर्टर को उतार के लेके आएँ, हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो मेरा इरादा बन रहा है मैं खुद ही इसको ले कर चले जाता हूँ, ताकि वो वहाँ पर ही उन्होंने भी आके उतार के ले कर जाना है, उधर तो चेक उधर से ही होना है सारा सिलसिला का। तो अभी इंतज़ार कर करके मुझे खुद ही यानी उतार के ले कर जाना पड़ेगा। इसको मैंने खोला हुआ कल का ना, अभी इसकी लाइट शाइट तो बंद है, इसको उतारते हैं फिर लेके चलते हैं। लें जी इसके पेच मैंने खोल लिए, ले जी इन्वर्टर जो है ना वो मैंने उतार लिया अपना। दसर भाई जो है उनका भी इन्वर्टर ख़राब था, तो वो भाई कह रहे हैं कि उनका मैं आके खुद चेक करूंगा, फिर उसमें जो भी मसला होगा उसके मुताबिक उसको सेट करेंगे। तो आप अपना जो है ना वो उतार के ले आएँ, क्योंकि आप आ रहे हैं तो हमने तो काफ़ी वेट किया। तो अभी मेरे साथ जा रहे हैं मेरे दोस्त सिकंदर भाई, हम लोगों ने मस्जिद का को कुछ चीज़ें जो ख़राब हुई हैं वो भी चेक करवानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम लोग मस्जिद की चीज़ें और मस्जिद की देखभाल जानवर करें। सिकंदर भाई देखो जी अल्लाह का घर आबाद है और हमारे घर आबाद। हाँ जी, सबसे पहले अल्लाह का घर का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कौन सी चीज़ की जरूरत है। एक दो चीज़ वहाँ पे ना वो हुई है जल गई है, तो उसको भी इंशाल्लाह सेट करवाएंगे। अभी हम लोग चलते हैं जी, और साथ आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज हम लोग ने सेट करवानी है। चलिए सिकंदर भाई चलें जी। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम, हम लोग इन्वर्टर ले गए ना अभी पहुंच गए हैं भाई लोगों के पास। नूर भाई और सुनाएं? शुक्र अल्लाह का सब खैर। आपका जो मैकेनिक है वो तो आया नहीं, मुझे उसने कहा कि मैं शाम को चक्कर लगाऊं, कल मैं वेट करता रहा हूं इमरान भाई का। जी भाई रास्ता यार, मैंने भी कहा था उनको लेकिन वो मसूफे में नहीं जा पाए, सॉरी। ठीक हो गया। ये सर मैं तो अपना ले आया हूँ उतार के, अभी चेक करें। दसर भाई जो है ना उनका वो कह रहे भाई इमरान के मैं आऊँगा, वो फिर उतार के लेके आऊँगा। जी वो देखिए सही हो गया। तो लें जी ये जो जहाँ से लगवाया था ना इन्वर्टर सोलर, अभी उधर ही आ गया, तो अभी भाई चेक करते हैं इसका मसला क्या है। बैटरी ठीक है, प्रॉब्लम है बैटरी दो ने गाड़ी ने चार्ज कर ली, तीन तो चार दफा नहीं चला भी आगे जी सर। भाई जनरेटर तो आपको ओके है? आप पैसे इन्वर्टर ओके है? हां जी जी, मैं पावर देके चेक कर रहा हूं, पावर देके चेक करो आगे जी। हां अच्छा ही अच्छा, हूं चलो बिल्कुल सही लग रही है जी। लाओ मैं निकल रहा हूं, ऊपर बात कर के। अच्छा ऐसा की लग रहा है तुम्हें लोड पार्क चेक किया भाई? ओके चल रहा है बैटरी पे। अच्छा लाइट बंद हुई, लाइट आती थी मैं चेक करता हूं, लाइट बंद हो गई है? लाइट बंद हो गई। ये जो है ना इन्वर्टर ये लगाया हुआ है भाई ने, और यहाँ से ये जो
और ये वो नीचे बैटरी, यानी कि इन्होंने खुद भी लगाया हुआ है, ये सेटअप रखा हुआ है कि अगर किसी का खराब होने यहाँ पे ये चेक करते हैं। नूर भाई चेक किया की लग रहे थानू? अच्छा लाइट नहीं है, ये सोलर से चेक किया आपने? जी बैटरी पे ठीक चले। चलें जी, इसका मतलब मैं इसको छोड़ जाऊँ फिर यहाँ? चलें जी। हाँ जी नूर भाई क्या कह रहे हो? जी यहाँ माशाल्लाह अपनी क्लास में फर्स्ट आए। ओए माशाल्लाह आपका बेटा है? जी जी माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो भाई, आपको भी मुबारक हो माशाल्लाह। इसका मतलब है कि बच्चा जो है ना आपका ज़हीन है माशाल्लाह। जी आपको मिठाई भी खिलाएगा। ओह वाह जी वाह, सही है। इसी तरह आपने अच्छी स्टडी करनी है और हर क्लास में फर्स्ट आना है, ताकि अल्लाह ताला आपको जो आप बनना चाहते हैं वो बनाए, सही है ना? बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो ये हमारा जी सब्सक्राइबर है माशाल्लाह, नूर भाई का बेटा। नहीं जी इन्वर्टर दे दिया, तो अभी लाइट नहीं है, सोलर तो इन्होंने चेक किया, उन्होंने भी लगाया उन्होंने अपनी दुकान में सोलर, तो वो कह रहे हैं आज ना मगरब के बाद लाइट आएगी, या मगरब तब हो सकता है आ जाए लाइट, तो अभी हमने जाना है दूसरी साइड पे वो काम करवाएंगे। तो फिलहाल जो है ना भाई लोगों को हमने दे दिया है, तो अल्लाह करे ये ठीक ही हो। सोलर के ऊपर तो ठीक है, कह रहे हैं शायद आपका ब्रेकर वगैरह जो उसमें ना मसला हो गया हो, तो अल्लाह करे इन्वर्टर हमारा ठीक हो। खैर अभी मस्जिद जो है ना उसके लिए वो हम लोग ने सामान लेना है, तो उसके बाद ये मकैनिक वगैरह आएगा लगाएगा, फिर चेक करेंगे इंशाल्लाह।